वेलकम टू मेडवॉन कैर इंस्टीट्यूट। टुडे वी स्टार्ट विद केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स मीन्स अगर क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन तो दो बेसिस पे होता है, एक होते हैं मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। हम लोग पहले मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की, मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉपी ले लो, उसमें लिखते चलो साथ ही साथ मेटल्स। नोट बनता जाएगा तो रिवाइज करोगे तो फिर याद रहेगा वो चीज़, ठीक है। मेटल के बारे में बात करते हैं, मेटल के बारे में सब लोग जानते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। अब इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है मेटल क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे हम लोग पहली प्रॉपर्टी? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर आ गया कौन कौन सा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या फिर मेटल्स में ही कौन कौन सा हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे? मेटल्स के अंदर। एग्जाम्पल सोडियम, क्योंकि एग्जाम्पल पहले बता देंगे तो तुम लोग रिलेट कर सकते हो आसानी से। कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है, ये कुछ हो गया मेटल्स के एग्जाम्पल्स। और इसके बारे में समझते हैं, अगर मेटल्स के बारे में बात करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर मतलब मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। चलो जो एग्जांपल है उसके बारे में ही बात करते हैं। सोडियम हमने लिया, सोडियम क्या होता है? Na के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? Na प्लस, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमने क्या बोला इसको? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। कैल्शियम लिया हमने, कैल्शियम क्या होता है? Ca2+, 2+ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg2+, 2+ चार्ज है इसके ऊपर भी, ठीक है। यू मीन्स देखो सबके ऊपर प्लस, यहाँ +1 का +2 का चार्ज है, मीन्स ये सब क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे मेटल्स के बारे में। अच्छा, मेटल्स के बारे में अगर पूछा जाए तो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा आएगा? बेसिकली हम लोग इसमें बोलते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किससे डिनोट करते हैं? Al से डिनोट करते हैं। अगर पूछे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये मेटल है। अच्छा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो चार्ज कितना होगा? Al3+ चार्ज होता है, ठीक है। एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करते हैं इसलिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव से। तो कोई पूछेगा कि मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल्स के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, जैसे स्टेबल करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये आगे कुछ मेटल्स के बारे में, और अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे बहुत इसमें मेटल्स के एग्जाम्पल, जिंक हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें मेटल्स में ही आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल होते क्या है, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो समझ में आएगा लेक्चर। सेकंड वन इज नॉन मेटल। जो मेटल नहीं होगा उसको नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है। ये भी कह सकते हैं जो मेटल नहीं होगा उसको हम लोग नॉन मेटल। अच्छा, एक एग्जाम्पल से बताते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायमंड के बारे में सुना होगा, डायमंड क्या होता है? वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल, ठीक है। क्या होता है डायमंड? वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल। ग्रेफाइट भी, ये सब कार्बन के कंपाउंड है, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो नॉन मेटल का ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन फॉर नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। क्या नॉन मेटल्स मैलिएबल होंगे? नॉन मैलिएबल। और नॉन डक्टाइल? डक्टाइल भी होंगे और ना ही मैलिएबल, मीन्स इनको हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स हो गए। एग्जांपल पूछे क्या लिखोगे? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो नाइट्रोजन के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ नोबल गैस एलिमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मीन्स मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होते हैं, ये सभी नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं।
सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं नॉन मेटल्स, लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं या इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए क्या होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्यों इलेक्ट्रो होते हैं बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए नॉन मेटल को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इतना समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन किसके अंदर आएगा, वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन किसके अंदर आएगा, नॉन मेटल के अंदर आएगा, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा होगा, ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। और मेटल्स हमने किसके बारे में पढ़ा था, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं और पढ़ते हैं अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैलिएबल होता है। क्या होता है मैलिएबल, मैलिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल मीन्स इसको हम लोग थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू थिन सीट, कन्वर्टेड इनटू थिन सीट में हम लोग क्या कर सकते हैं उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ये मैलिएबल है, मेल्ट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर देंगे इसको तो ये मेल्ट कर जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी को भी लूज नहीं करेगा। सेकेंड दे आर डक्टाइल, जिसको हम बोलते हैं मेटल के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, मीन्स ये क्या होते हैं डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है, मीन्स कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, एक पतला सा वायर इसको हम लोग बना सकते हैं, मीन्स पतले से वायर में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स दे आर ऑल्सो डक्टाइल एंड मैलिएबल, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी और मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये भी बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। रीजन बता सकते हो, वही सेम रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर होगा, ठीक है मेटल्स। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट में, जैसे मान लो हमने ले लिया एक मेटल की रॉड, ठीक है, क्या है मेटल की रॉड ले लिया, इसमें हमने क्या लगा दिया, वैक्स लगा दिया, लाइन से वैक्स लगा दिया, मोम लगा दिया, कुछ भी लगा दो इसमें जो मेल्ट हो जाए आसानी से। यहाँ से क्या करो, यहाँ से हीट करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से एक फ्लेम से हीट करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम यहाँ से हीट देना स्टार्ट करोगे तुम देखोगे एक सीक्वेंस, पहले ये वैक्स नीचे गिरेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, मीन्स पता चलेगा तुमको हीट यहाँ से लेकर के आगे की तरफ ट्रांसफर होती चली जा रही है, और लास्ट तक देखोगे ये भी जाकर गिर सकता नहीं, यहीं पे रहेगा अगर ज़्यादा हीट तुम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। मीन्स हीट ट्रांसफर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, मीन्स मेटल्स में जो होती है हीट कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो भी ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करेगा। आगे समझ में, मीन्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है मेटल आर लस्चरस। अब लस्चरस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो चमक जिसको बोलते हैं। गोल्ड की बात करो क्या, गोल्ड के अंदर लस्चरस प्रॉपर्टी होती बहुत ज़्यादा होती, कितना अच्छे से चमकता है वो गोल्ड हो गया। सिल्वर देख लो, उसके अंदर भी लस्चरस प्रॉपर्टी हो गया। कोई क्लीन स्टील या मेटल देख लो वो बिल्कुल शाइन करता रहता है, मीन उसके अंदर लस्चरस प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट मेटल जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिसको हम लोग अपीयरेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख सकते हैं हम लोग मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। अच्छा कुछ एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और एग्जांपल इसके एक्सेप्शन का एग्जांपल की बात करेंगे। मेटल्स तो हार्ड तुम लोग जानते हो, देखे हुए एग्जांपल स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। ऐसे मेटल्स की बात करेंगे जो हार्ड नहीं, मतलब इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन आता है जो हार्डनेस को फॉलो नहीं करती, जो इस रूल को फॉलो नहीं करती, उसमें कौन सा आ गया, सोडियम दैट इज Na और पोटेशियम। इसको हम लोग नाइफ मतलब चाकू से भी कट कर सकते हैं आसानी से, मीन्स ये हार्ड नहीं होते, ये एक्सेप्शन के अंदर आ गया। यहाँ पे अलग से लिख देना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, लगभग नियर अबाउट बात देखी, स्ट्रॉन्ग मतलब इसके अंदर ये आ गया, सोडियम एंड पोटेशियम अलग हो गया।
मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अगली प्रॉपर्टी क्या ले सकते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड. ये भी किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है. अगर ये मेटल से बना हुआ है तो ये क्या है, सॉलिड है. अभी इस समय सॉलिड, लिक्विड में तो है नहीं, सॉलिड, इसलिए हम लोग इसमें आसानी से लिख ले रहे हैं. मीन्स मेटल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं. कोई एक्सेप्शन इसमें, बिल्कुल एक्सेप्शन है मरकरी, विच इज लिक्विड एट मरकरी. क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड. कब होता है लिक्विड, एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड भी होते हैं. हमने कहा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन अगर हार्ड होते हैं तो ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. जो सॉफ्ट, इसके अंदर एक्सेप्शन आता है ये, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, और बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है. ठीक है, इसकी होती है सोडियम और पोटेशियम. ठीक है, ये इसके अंदर एक्सेप्शन में आ जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इजिली कट विथ नाइफ. नाइफ से हम लोग इसको आसानी से कट कर सकते हैं. नेक्स्ट डेंसिटी की बात करते हैं. डेंसिटी क्या होगी, हाई डेंसिटी. मेटल्स है हाई डेंसिटी. अच्छा, तो डेंसिटी में किसका एक्सेप्शन होगा, वही सेम सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, डेंसिटी भी इनकी कम होती है. ठीक है, बाकी सारे मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है. नेक्स्ट, दे आर सोनोरस. दे आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लोग हिट करते हैं, मान लेते बेल बात करते हैं, अगर किसी हम लोग टेम्पल में गए, वहां से हमने बेल बजाया, बेल बजाने पे क्या होगा, वहां से एक पतली सी आवाज आती है, इसलिए भी सोनोरस इसको बोलते हैं. टनस से आवाज आती है ना, मतलब वो सोनोरस होता है. ऐसे ये मान लो है, ये मेटल है ना, ठीक है, इसको ऐसे मारते हैं लोग, आवाज आ रही. मीन्स ये क्या है, सोनोरस. उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जो नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं. ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी मेटल्स की. कलर के बेसिस से भी डिफाइन करते हैं, सिल्वर और ग्रे कलर का होता है मेटल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे. ठीक है, आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला, मेटल्स की क्या थी, मेटल्स मेलिएबल होते हैं. ये कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल. नॉन मेलिएबल, ठीक है, नॉन मेलिएबल. अच्छा, मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबल था मेटल, मतलब उसको हम लोग आराम से कि पिघला करके या फिर मेलिएबल बना करके उसको मेल्ट करके किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन वो काम नॉन मेटल्स के अंदर नहीं हो पाएगा. अगर बात करते हैं हम लोग डक्टिलिटी की, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं. दे आर नॉन डक्टाइल, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर. ठीक है, थिन वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, थिन सीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नॉन मेलिएबल हो गया और नॉन डक्टाइल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, मीन्स ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं. मीन्स आसानी से टूट जाते हैं. नॉन ब्रिटल कैसे होते हैं, ब्रिटल. ब्रिटल मतलब क्या हुआ, इजीली ब्रेक, आसानी से टूट जाएंगे. नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टीज आती है नॉन ब्रिटल्स की, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. डू नॉट कंडक्ट, कंडक्शन नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू बाउंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करते हैं. और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते फ्री वाले, इसलिए वो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा था और हीट भी ट्रांसमिशन कर रहा था. ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ना ही हीट पास होगा एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक. अच्छा, एक रीजन इसका समझ लेते हैं. ऐसे मान लो जो खाना बनाने के जो इक्विपमेंट होते हैं, जिसका होल्डिंग पार्ट होता है, जिसको हम पकड़ के बनाते हैं. ऐसे मान लो अगर हम लोग पैन की बात करते हैं, जहाँ से उसको पकड़ते हैं, ऐसे मान लो ये पैन है, जहाँ इसको हम लोग पकड़ रहे हैं, ये क्या होता है, ये नॉन मेटल का बना होता है. नॉन मेटल क्यों बना होता है, क्योंकि ये आगे वाला पूरा पार्ट मेटल का होता है, तो हीट ट्रांसफर होकर ऊपर आएगी, हमारे हाथों को जल, हमारा हाथ जल सकता है इस केस में. तो यहाँ पे नॉन मेटल लगा रहता है, नॉन मेटल एक पार्ट होता है जिससे जो हीट आ रही है वो आगे पास नहीं हो पाती है, और आगे पास नहीं हो पाएगी तो हमारा हाथ क्या रहेगा, सेफ रहेगा. मीन्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर नॉन लस्टरस, चमक ही नहीं होती इसके अंदर. ठीक है,
नॉन लस्टरस समझ में आता है, ठीक है, मीन्स दे आर डल, जनरली सॉफ्ट, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट और स्मूथ, एक्सेप्ट सबसे पहले एग्जांपल क्या बताया था हमने, डायमंड के बारे में, डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है डायमंड, और बाकी सब कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। डायमंड के बारे में अगर बात करें तो डायमंड जो होता है कार्बन का एलोट्रॉफ होता है, क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स, ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स का मतलब हो गया जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें वो डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन से ही बना होगा, लेकिन जो अपीयरेंस होगा वो कार्बन से डिफरेंट होगा, और कार्बन कंबाइन करके डायमंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इजिली ब्रेकेबल होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, उसका उल्टा नॉन सोनरस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं, और इनका कलर भी अलग अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए मेटल और नॉन मेटल की, अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, मींस एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, और किसी कंपाउंड के साथ रिएक्टिविटी होगी तो क्या नया कंपाउंड फॉर्म होगा। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मेटल्स विथ ऑक्सीजन, अगर मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, मेनली ये, ठीक है, तो मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड, व्हाट विल फॉर्म, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एग्जांपल Na दैट इज सोडियम कंबाइन विथ O2 व्हाट विल फॉर्म, Na प्लस होता है, वेरी गुड, O2 माइनस होता है, 2 यहाँ पे लिखना, 1 यहाँ पे लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2O फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, Na2O फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे लग जाएगा 4, तो 4 मोल ऑफ Na कंबाइन विथ O2 इट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ Na2O, Na2O क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अगली रिएक्टिविटी की बात करते हैं, सेकंड मेटल का ऑक्सीजन साथ रिएक्टिविटी हो गया तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अब इसके नेचर की बात करते हैं, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो जो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, कि मीन्स बेसिक ऑक्साइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड या फिर बेसिक नेचर होता है, मीन्स मेटल ऑलवेज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए जो भी फॉर्म होगा Na2O बना है, चलो Na2O, अगर इसको हम लोग H2O क्या होता है वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस फॉर्म हो रहा है, मीन्स ये बेसिक ऑक्साइड बन रहा था इसलिए यहाँ से बेस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यहाँ से हम लोग प्रूफ करके बता भी सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एनसीईआरटी साथ में देखते चलो, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है सब कुछ, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरी किताब के बारे में सोचना है, ठीक है, पहले सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, एनसीईआरटी को। नेक्स्ट उसके बाद आगे रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्या एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, सबसे पहला आता है एम्फोटेरिक नेचर होता क्या है, एम्फोटेरिक नेचर द मेटल या फिर जो नॉन मेटल्स अगर वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों को शो कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स, जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को दोनों शो करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स या एम्फोटेरिक नॉन मेटल्स। अच्छा एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन कौन सा आएगा उसके बारे में, अच्छा बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, पहले एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3 होगा, ठीक है Al2O3 होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर इसको हम लोग एसिड के साथ कंबाइन करते हैं HCl, जल्दी से बताओ कॉपी में करो जल्दी से, क्या फॉर्म होगा एल्यूमिनियम में प्लस चार्ज क्लोरीन है माइनस चार्ज AlCl3 बन जाएगा और प्लस क्या बाहर हो जाएगा H2O,
AlCl3 और प्लस H2O क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये सॉल्ट होगा, ठीक है। आगे समझ में, एम्फोटेरिक नेचर का भी एक एग्जांपल हो गया Al2O3। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उस तरीके से जिंक ऑक्साइड का भी कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है और एसिडिक ऑक्साइड बनेगा जिंक ऑक्साइड का। बोलो, जिंक एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, होमवर्क रहेगा तुम लोग, पता करना है मुझे बताना कि जिंक एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा बेसिक ऑक्साइड, मींस एम्फोटेरिक बोलेंगे उसको, या एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा फिर बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ वाटर, मेटल्स रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर के साथ अगर उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बनेगा क्या, मेटल है वाटर के साथ अगर कंबाइन करते, वाटर ब्रेक डाउन करेगा H+OH- के फॉर्म में, तो मेटल्स प्लस चार्ज होता है उस पर, प्लस वाले के साथ कंबाइन नहीं करना उसको, तो OH- के साथ वो कंबाइन करेगा। अगर OH- के साथ कंबाइन करेगा तो मीन्स हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर इसकी रिएक्टिविटी हम लोग स्टीम के साथ कराते हैं, स्टीम ही वाटर का ही फॉर्म होता है, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, मींस मेटल कंबाइंस विद स्टीम, क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसके से मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होगा, मींस मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लेते हैं, एक पोटेशियम है हमारे पास, 2 मोल ऑफ पोटेशियम कंबाइन विद वाटर, वाटर कैसा, कोल्ड वाटर ले लेते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी हो जाएगी आराम से कोल्ड वाटर, तो क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मींस क्या फॉर्म होगा, KOH, 2 मोल ऑफ KOH अलग हो जाएगा और प्लस विद पॉप साउंड हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्टिविटी, अगली बात करते हैं, मेटल्स कंबाइन विद स्टीम, बात करें जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का भी सेम रिएक्टिविटी होगा, Na कंबाइन करेगा 2 मोल ऑफ H2O, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी शो करेगा, NaOH और प्लस H2O बाहर हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, कैल्शियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, कैल्शियम कंबाइन विद H2O इट विल फॉर्म CaOH का होल टॉइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड आउटसाइड विद पॉप साउंड। मैग्नीशियम मेटल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम तो एक्सेप्शन हम लोग को जरूर पढ़ना है, बाकी सबका सिमिलर ही था, मैग्नीशियम के बारे में जरूर पढ़ना है। क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी नहीं होती है। क्यों नहीं रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि कोई कंपाउंड फॉर्मेशन है और मैग्नीशियम को एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ उसको आयन चाहिए और आयन कोल्ड वाटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं, तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, रिएक्टिविटी इसके साथ किसके साथ होगी, हॉट वाटर के साथ होगी या फिर बोले तो किसके साथ होगी, स्टीम के साथ होगी। चलो रिएक्टिविटी करते हैं, मैग्नीशियम कंबाइन विद H2O कैसा होगा, कोल्ड नहीं, हॉट हो गया, फिर स्टीम क्या फॉर्म होगा, MgOH का होल टॉइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड आउटसाइड, सही है रिएक्टिविटी, MgOH का होल टॉइस और प्लस H2। अगर इसको हम लोग और हीट करके स्टीम फॉर्म करते हैं, चलो स्टीम फॉर्मेशन देखते कैसे होगा, स्टीम के साथ रिएक्ट मींस मैग्नीशियम कंबाइन विद H2O स्टीम है, ठीक है, स्टीम और बॉइल्ड वाटर में बहुत डिफरेंस होता है, रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज्ड आउटसाइड, मींस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिविटी नहीं होगी मैग्नीशियम के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, तो ये मैग्नीशियम का एक्सेप्शन हो गया, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं थोड़े कुछ मेटल्स के बारे में, और मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स जैसे हो गए एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, Fe होता है ना आयरन, ठीक है,
क्या इनकी रिएक्टिविटी होगी कोल्ड वाटर के साथ? नहीं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? नहीं, दे डू नॉट रिएक्ट। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी नहीं होती है और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो करते। कौन सा? एल्यूमिनियम, जिंक एंड Fe, ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की रिएक्टिविटी भी बहुत स्लो होती है, तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी इनकी नहीं पॉसिबल है। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। एक एग्जांपल था इसमें का एल्यूमिनियम का ही, एल्यूमिनियम कंबाइन विद H2O किसके फॉर्म में है? स्टीम के फॉर्म में है, भाप है। कंबाइन करेंगे तो Al2O3 और प्लस H2 रिलीज आउट, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउटसाइड। ये कुछ हो गया रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लिए हम लोग, मीन्स ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे आसानी से। और क्या फॉर्म करेंगे? एल्यूमिनियम विल फॉर्म Al2O3, जिंक फॉर्म ZnO, Fe फॉर्म Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट, साथ साथ नोट्स बना दी चलना जिससे दोबारा रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। कुछ रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि ऑर्डर, इसको लिखते हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मीन्स मेटल्स के ऑर्डर की रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो कुछ ही मेटल्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड Fe, Fe Zn इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यही रीजन है मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, स्टीम के साथ भी रिएक्टिविटी हो जाती है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्टिविटी होती है। और इन तीनों किसके साथ रिएक्टिविटी? ओनली स्टीम, सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद कर लेना, याद क्या करना, याद हो गया होगा तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्टिविटी, मेटल्स विथ एसिड, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का कंसेंट्रेशन पता होगा, डाइल्यूट एसिड मतलब क्या हुआ? जहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन या वाटर का अमाउंट एसिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, या फिर वाटर जो होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। हमने एक अलग से लेक्चर में कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में पढ़ाया हुआ, उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। मेटल्स अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? तो क्या फॉर्म होगा अगर मेटल्स एसिड के साथ कंबाइन करेगा? तो सॉल्ट, और क्या फॉर्म होगा? वाटर, H2O बाहर हो जाएगा। चलो एक मेटल लेते हैं और एक एसिड, रिएक्टिविटी कराते हैं। मेटल्स लेते हैं सोडियम, एसिड HCl, क्या फॉर्म कर NaCl प्लस, क्या H2O बाहर हो पाएगा? नहीं, हाइड्रोजन बाहर होगा। तो गलती यही होती है कि H2O नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर होगा रिएक्टिविटी के समय, ठीक है। मीन्स मेटल एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो वहाँ से वाटर तो रिमूव नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो स्टीम फॉर्म में बर्न होकर आउट चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे रिएक्टिविटी करते समय यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस बाहर होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पॉपसोन अगर वहाँ निकल रहा है तो मीन्स यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? सॉल्ट, दैट इज NaCl बन रहा है रिएक्टिविटी के समय। मैग्नीशियम का भी सेम यही केस होगा और सभी एलिमेंट्स का भी यही सेम केस होगा। मैग्नीशियम की ही बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम किस साथ कंबाइन करते हैं? HCl, क्या फॉर्म होगा? MgCl2 और प्लस H2 रिलीज्ड आउट, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई मेटल्स बता सकते हो जो एसिड के साथ रिएक्टिविटी नहीं शो करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे? जो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव में कौन सा हो गया? जैसे हो गया हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब रिएक्ट नहीं करते जल्दी। तो सिल्वर और गोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्टिविटी शो नहीं करते। हम लोग क्या कर सकते हैं? Au एंड Ag, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड साथ रिएक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, किसकी किसकी? Au और Ag के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा एसिड साथ रिएक्शन, एसिड साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है या इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। एसिड एक तरीके से बहुत खतरनाक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया।
ये कैसे बनता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि ये दो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। बनता किससे किससे है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और प्लस HCl। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 प्लस HCl आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके एक्वारेजिया का फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, कंपोनेंट, कौन कितना कंपोनेंट होता है, मीन्स कितना पार्ट रिएक्टिविटी का होता है। 1% ये होता है तो 3% ये, मीन्स 1:3 का रेशियो होता है कंबाइन करने का। मीन्स अगर 1% HNO3 है, उसका 3 गुना, मीन्स 3% क्या होगा, HCl होगा। तो 1:3 के रेशियो में नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से एक्वारेजिया बनता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट एसिड होता है एक्वारेजिया। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज समझते हैं। ऐसे मान लो हमारे पास एक है ए एटम, दूसरा वाला है बी एटम। अगर उसके पास हम लोग सी ला रहे हैं रिएक्टिविटी कराने के लिए, तो जरा सोचो सी ए के साथ रिएक्ट करेगा या फिर बी के साथ रिएक्ट करेगा। इस चीज का पता करना है कि सी की रिएक्टिविटी ए के साथ अच्छी होगी या बी के साथ अच्छी होगी। अब देखो, दोनों में से जिसकी रिएक्टिविटी के साथ कंबाइन करके जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसके साथ रिएक्टिविटी होगी। अब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा या फिर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, उसी के साथ ये कंबाइन करेगा। तो इसको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे, जिसके बेसिस पे ये डिफाइन करेंगे, जहां से हाइड्रोजन से रिलेट किया जाएगा एटम्स को कि क्या होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सब की क्या होगी। ओके, चलो इसको बना लेते हैं अब हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज ये है। सबसे पहले ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, SN3 होता है, PB लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और Au। Ag और Au क्या होता है, Ag सिल्वर होता है और Au गोल्ड होता है। ठीक, ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से कम वाले हैं, ये हाइड्रोजन से ज्यादा वाली रिएक्टिविटी है। ठीक है, मीन्स अगर ये हाइड्रोजन मान लो है, उसको अगर रिमूव करना हुआ तो ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन को रिमूव इजिली कर सकते हैं, लेकिन ये इसको नहीं रिमूव कर पाए। मीन्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है रिएक्टिविटी सीरीज में, गोल्ड, उससे कम सिल्वर दिख रहा है, फिर मरकरी, उसके बाद कॉपर, फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ऊपर ही रिएक्टिविटी है। अच्छा, इसमें ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई एटम है ए, अगर वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन है, उसके पास हम लोग क्या लाते हैं, कैल्शियम, जो कि बी है। क्या ये कैल्शियम, इसे बी हटाई देते, कैल्शियम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है, क्या ये कैल्शियम मैग्नीशियम को रिमूव कर सकता है? बिल्कुल रिमूव कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम मैग्नीशियम के ऊपर होता है। ठीक है, तो कैल्शियम इसको रिमूव कर देगा और HCl आसानी से फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ, APB है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम लोग को रिएक्टिविटी करानी, कॉपर इसके पास लाते हैं, क्या कॉपर PB को रिमूव कर पाएगा? नहीं रिमूव कर पाएगा। क्यों नहीं रिमूव कर पाएगा, क्योंकि PB जो कंपाउंड बना हुआ एक साथ, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर के कंपैरिजन, मींस जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही दूसरे वाले एलिमेंट के साथ कंबाइंड करेगा। एक जगह Ag है और दूसरी जगह Au है, उसको कंबाइन करना, एक मेटल एटम है C, तो कौन किसके साथ कंबाइन करेगा, Ag कंबाइन करेगा, Au कंबाइन करेगा, मींस Ag पहले कंबाइन कर जाएगा और Ag C का फॉर्मेशन होगा, Au वैसे फ्री फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में रहेगा। मींस ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद कर लेना, ये ऑर्डर है जिसके बीच में ऑर्डर ऐसे होता है, Na फिर ये ठीक, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज कर रही है। ये हाइड्रोजन के नीचे लिखना होगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये इसके नीचे आएंगे, हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले ये सारे मेटल्स हो गए। तो मीन्स ये अगर याद रहेगा, तो कोई भी रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता है एक एटम को दूसरे एटम से। तो इससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि ये इसको रिप्लेस कर पाएगा या फिर नहीं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है। आगे समझ में, तो ये ऑर्डर याद रखो रिएक्टिविटी सीरीज का। ये हो गया हमारा इस लेक्चर का पहला शॉर्ट, मेटल और नॉन मेटल का। अगले शॉर्ट में हम लोग फिर से नियर अबाउट हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मीन्स 2 से 3 शॉर्ट में हम लोग पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।